हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में आपको भाई आपके लिए लेके आ गया है नई नवेली रॉयल इनफील्ड की गोरिल्ला 450। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस बाइक के साथ बहुत सारे टॉप स्पीड रन। हम इसके साथ करेंगे टॉप स्पीड रन, हम करेंगे 0-60, 0-100 और हम देखेंगे कौन से गियर में कितनी टॉप स्पीड ये बना रही है। सारे टेस्ट करेंगे हम इस बाइक के साथ, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। यार कितनी ब्यूटीफुल ये बाइक लगती है ना यार, मतलब मज़ा ही आ जाता है यार इस बाइक को देख के। मतलब हर एक एंगल से इतनी ज़्यादा परफेक्ट ये बाइक लगती है, स्पेशली ये जो बड़े बड़े टायर इसमें लगा दिए गए हैं, 160 सेक्शन का टायर पीछे, 120 सेक्शन का आगे। तो यार बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग कर दी गई हैं, और यस दिस बाइक इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आवाज़ सुन लेते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और थ्रॉटल का रिस्पांस तो भाई नेक्स्ट लेवल है यार, थ्रॉटल का रिस्पांस ऐसा है कि भाई ओ हो नेक्स्ट लेवल। चलो स्टार्ट करते हैं। ओए गाइस, तो आ गए हम लोग हाईवे पर, और यहाँ से हम करने वाले हैं अपने टॉप स्पीड रन्स की शुरुआत। तो स्टार्ट करते हैं यार, और सबसे पहले हम करेंगे इसका 0-60, 0-100 और 2-3 बार करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे इसमें कौन से गियर में कितनी स्पीड ये बाइक बना रही है। तो सारी रीडिंग्स आपके सामने आ जाएंगी गाइस। तो हमारा फर्स्ट 0-60, 0-100 टाइमिंग अब आपके पास आने वाली है, सारी टाइमिंग्स आपके पास लिख कर आ जाएंगी गाइस। तो करते हैं रोड खाली, लेट्स गो। 60, थोड़ा सा बॉक डाउन हो गया यार, 100, ओके। तो टाइमिंग्स आपके पास लिख कर आ गई होंगी। मैंने हल्का सा जो गियर होता है ना उसको डालने में, थर्ड को चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, तो वो वाली एक चीज़ है, एक बार और कर लेते हैं। तो सारी जो क्लियर पिक्चर है ना वो आपके सामने आ जाएगी यार एक बार, तो करके देखते हैं 0-60, 0-100 दोबारा से। फिर अटक गया यार, थर्ड गियर अटक रहा थोड़ा सा, तो दोबारा करते हैं, नो वरीज, दोबारा कर लेंगे। 0-60 तो आपके पास आ ही गई है, एक और बार ट्राई कर लेते हैं क्या हो गया। गाइस, तो दोनों टाइमिंग्स आपके पास आ गई होंगी साइड में लिखकर। तो यार मेरे को बताना कैसी लगी आपको ये टाइमिंग। मेरे हिसाब से इससे अच्छा लॉन्च मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, अगर थोड़ा सा और कोशिश करूँगा तो मैं भी थोड़ी सी और प्रैक्टिस के साथ कर दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉन्च में रहा है, और इसको लॉन्च करना काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को, क्योंकि पीछे वाला जो टायर है इतना वाइड होने की वजह से बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। अब देखते हैं यार कौन से गियर में भाई कितनी स्पीड बना रही है। 1, 2, 3, 4, 5 सारे गियर्स की टॉप स्पीड हम चेक करेंगे, लेट्स गो। फर्स्ट गियर में अभी हम, चलो फर्स्ट गियर टॉप स्पीड गो, 86, 81, नॉइस 106 तीसरे गियर में, फोर्थ गियर 132, फिफ्थ गियर गाइस, ओके लेट्स सी, थोड़ा सा कर्व आ गया गाइस तो रुकना पड़ेगा हमें। यार फिफ्थ गियर टॉप स्पीड में निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैफिक है थोड़ा सा, उस साइड से आते हुए करने की कोशिश करते हैं अभी, चलो उसी साइड चलते हैं। अब हमारा एक ही काम रह गया है केवल टॉप स्पीड रन्स करने का, तो टॉप स्पीड रन्स की बारी है अब नेक्स्ट। थोड़ा सा खाली पैच आने का वेट कर रहा हूँ मैं, तो लेट्स गो। यहाँ से खाली रहता है ऑलमोस्ट, ओके फिफ्थ गियर पे खींचना मैंने स्टार्ट करा इसको भाई, बहुत ज़बरदस्त विंड लास्ट है यार आज, फिफ्थ गियर टॉप स्पीड 148, ओके ओके ओके। तो गाइस 160 के एमपीएस की हमारी टॉप स्पीड आई है गोरिल्ला 450 के साथ, ये है हमारी 160 के एमपीएस की टॉप स्पीड। तो बताना मेरे को कैसा लगा आपको ये वीडियो, सारी चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी है इस बाइक के साथ। एक जो रन मैंने बनाया था वो उल्टी साइड से बनाया था, सामने से हमारे विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ पड़ रहा था, तभी 148 पर ही रुकी हुई थी, 148 के ऊपर नहीं जा पा रही थी। अभी हमारे पीछे से हवा चल रही है तो 160 मैं इसको ले जा पाया हूँ अपने वेट पर। मेरा वेट है अराउंड 95 केजीज के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा वेट मेरा है ऑब्वियसली, तो डेफिनेटली दिस बाइक इज़ अमेजिंग।
थ्रॉटल का रिस्पॉन्स मेरे को इस बाइक का बहुत अच्छा लगा है। आपको एक कंप्लीट रिव्यू देखना है इस बाइक का तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।